नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने डेली के राशिफल में, जिसमें मैं हर रोज़ आपके साथ जुड़ जाता हूँ और बात करता हूँ आपसे अगले दिन की। कल है रविवार, दिन रहेगा, दिन तो है रविवार और तारीख रहेगी 15, और राहु काल चलेगा 4:30 बजे से लेकर शाम को 6:15 बजे तक। तो दोस्तों बात करेंगे, उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को, साथ साथ सीएल टैग को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का क्या हाल हाल बात करते हैं। रिलैक्स मोड में दिखाई देंगे, हालांकि घर के कुछ घरेलू काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल मेष वाले, और आपका जो घर थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक हो रहा है उसको कल सिस्टमेटिक करते हुए कल दिखाई देंगे। कुल मिलाकर दिन घर पे ही रहेंगे, कल शाम को हो सकता है कहीं पर जाएं बाहर। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, तो सुकून से बीतेगा, मनोरंजन से बीतेगा और कुछ घर के ज़रूरी सामान को खरीदते हुए कल दिखाई देंगे, और निकट के किसी व्यवसायिक यात्रा में आप जा सकते हैं। मिथुन राशि की बात कर लूँ तो छुट्टी तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं आप बिजी ज़रूर होंगे, किसी बड़े व्यक्ति से आपकी कल मुलाकात भी हो सकती है, मित्रों की सलाह भी आपको कल मिल सकती है, व्यवसाय की प्रगति हेतु आप प्लानिंग कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, तो जो भी डिमांड्स आपके परिजन की चल रही थी, घर के बच्चों की चल रही थी, कल वो पूरी करते हुए दिखाई देंगे आप। खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कल हो सकता है शाम के टाइम में कल कहीं घूमने भी जाएं आप। दिन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, छुट्टी से पूरे दिन को आप बिताएंगे। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो कामकाजी दिन रहेगा आपका और थोड़े से अपने जिसे बोलते हैं ना टाइम टेबल को आप सेट करेंगे, अपने जो बैलेंस शीट है उसको सेट करते हुए कल दिखाई देंगे और किसी उपयोगी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कल होती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि छुट्टी जो है आपने जो प्लान करी है आप उसी के अकॉर्डिंग चला पाएंगे, और दोपहर थोड़े में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार जो प्लान मैंने किया था वो प्लान मेरा नहीं चल पा रहा है, लेकिन शाम को आप काफ़ी अच्छे मूड में कल दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा डाउन रहेगा दोपहर का टाइम, लेकिन पूरा जो दिन है वैसे वो ठीक है। तुला राशि की बात कर लेता हूँ, तो बिजी रहेंगे आप, कामकाज में बिजी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर के कुछ ऐसे काम आपको कल करने पड़ सकते हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं हो, तो वो कल आपको करने पड़ेंगे, और आप दूसरे का किसी और का काम कल आपके ऊपर आ सकता है। हालांकि शाम होते होते तक मूड आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत जो होगी दिन की वो थोड़ी सी मूड ऑफ से हो सकती है आपकी। वृश्चिक राशि की बात करूँ, तो किसी पुराने गहरे दोस्त से मेल मिलाप आपका हो सकता है, जनसंपर्क में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, कोशिश करने से रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। धनुराशि की बात कर लूँ, तो मनोरंजन से संडे को व्यतीत करेंगे आप और काफ़ी नींद के मूड में हैं कल आप, रिलैक्स करने के मूड में हैं, आईपीएल के मैचेस आप पूरा देखने के मूड में हैं और परिजनों के साथ घर पे ही आप छुट्टी बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि की बात करूं तो आपका दिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, छुट्टी का पूरा आनंद आप लेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक हैक्टिक वीक के बाद अपने आप को तसल्ली देंगे, माइंड को थोड़ा सा सुस्त करेंगे और फिर नए जोश के साथ आप मंडे की तरफ देखेंगे। कुंभ राशि की बात करूं तो थोड़े से मेहमान आते हुए कल घर में दिखाई दे रहे हैं और कल कोई घरेलू चीज़ों को पे आप साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निजी काम पर्सनल जो काम है वो आपके कल पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी के मूड में आप भी कल दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं, तो परिजनों के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, लेकिन पेट खराब होने की समस्या कल हो सकती है, तो बाहर उतना ही खाएं जितना आप खा पाएं। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात करते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो से। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास स्क्रीन पर नंबर आ गए हैं, ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी।